डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीराकल्स कॉलेज उदयपुर. आज हमारी एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है वो है फार्म दक्षता के माप, दैट इज मेजर्स ऑफ फार्म एफिशिएंसी, उसका पार्ट टू. लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट वन किया था, मेजर्स ऑफ फार्म एफिशिएंसी का पार्ट वन, जिसमें हमने अवधारणा अनुपात के बारे में अध्ययन किया था. और अवधारणा अनुपात में सिर्फ एक पार्ट रह रहा था, दैट इज़ पद्धति सूचकांक यानी सिस्टम इंडेक्स. तो ये अवधारणा अनुपात का पार्ट है और उसके बाद में हम करने वाले हैं समूह अनुपात. तो जो पद्धति सूचकांक यानी सिस्टम इंडेक्स है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं. फसल उपज सूचकांक का उपयोग फसल की दक्षता को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा किसी फर्म की फसल उपज की तुलना में पूरे क्षेत्र के साथ की जाती है. यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी एक फर्म का फसल ढांचा तथा क्षेत्र का फसल ढांचा एक जैसा है. यदि इस मान्यता के द्वारा तर्कशील निष्कर्ष निकाला जाए तो इसका अभिप्राय है कि फसल उपज सूचकांक एक विश्वसनीय सूचकांक होगा जब विभिन्न फसलों के अंतर्गत फार्म का क्षेत्र और पूरे क्षेत्र के अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत बराबर बराबर हो. दूसरी ओर पद्धति सूचकांक में यह मान्यता ली जाती है कि एक फार्म तथा संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र का वितरण एक समान नहीं है, परंतु प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय प्राप्त एक विशेष फार्म तथा समस्त क्षेत्र की एक समान होती है. इस सूचकांक का प्रयोग एक विशेष फर्म की आय तथा शेष आयों की औसत आय की तुलना करने के लिए किया जाता है. जिस प्रकार फसल उपज सूचकांक को समायोजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पद्धति सूचकांक को भी समायोजित किया जाता है. इसे समायोजित करने का समीकरण इस प्रकार है, दैट इज समायोजित पद्धति सूचकांक यानी पद्धति सूचकांक इनटू फार्म का की फसल गहनता डिवाइडेड बाय क्षेत्र की फसल गहनता. इसको हम कहते हैं एडजस्टेड सिस्टम इंडेक्स. एडजस्टेड सिस्टम इंडेक्स किसके बराबर होता है? सिस्टम इंडेक्स इनटू क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द फार्म डिवाइडेड बाय क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन द रीजन. तो इस प्रकार से हम समायोजित पद्धति सूचकांक की गणना करते हैं. यह सूचकांक किसी एक फर्म तथा समूचे क्षेत्र के फसल ढांचे की दक्षता की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है. यदि पद्धति सूचकांक का मूल्य 100 से अधिक आता है तो इसका यह अभिप्राय है कि फार्म का विभिन्न फसलों में बंटवारा संपूर्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक अच्छा है. इस विधि में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि जो फसल पूरे क्षेत्र में उगाई जाती है वो फार्म पर नहीं उगाई जाती है. एक और कठिनाई यह भी आती है कि विभिन्न फसलों के प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय पूरे क्षेत्र के लिए ज्ञात नहीं किए जा सकते. फार्म की शुद्ध आय क्षेत्र की शुद्ध आय से भिन्न होती है. इस प्रकार पद्धति सूचकांक दक्षता को मापने की उचित तथा विश्वसनीय विधि नहीं है. पद्धति सूचकांक बनाने की विधि को काल्पनिक प्रति हेक्टेयर आय स्तर के अतिरिक्त क्षेत्र में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा फार्म का विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा पद्धति सूचकांक को बनाने की विधि पर आधारित है. अब हम आते हैं फार्म की समूही विधियां, फार्म दक्षता की समूही विधियां यानी एग्रीगेटिव मेजर्स ऑफ फार्म एफिशिएंसी, जिसमें पहला है सकल आय यानी ग्रॉस इनकम.
सकल आय यानी ग्रॉस इनकम। यह विधि फार्म व्यवसाय के आकार तथा परिणाम को दर्शाती है तथा इस विधि का प्रयोग सामान्य फार्म की परिस्थिति के अंतर्गत कृषकों की कार्यप्रणाली की तुलना करने के लिए किया जाता है। सकल आय को ज्ञात करने के लिए गणना विधि के दौरान वस्तुओं को बेचने से प्राप्त आय, इस अवधि में स्वयं उपयोग में रखी वस्तुओं का मूल्य, वर्तमान निर्मित एवं अर्ध निर्मित वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है, तत्पश्चात निर्मित तथा अर्ध निर्मित वस्तुओं के पिछले भंडार को मूल्य तथा उस अवधि में जो चल संपत्ति का मूल्य जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उससे घटा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्म दक्षता को नापने की जो समूही विधि है उसमें आता है नकद आय या कैश इनकम। इस विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कृषक को कृषि में सुधार करने के लिए अपने पास कितनी आय नकदी के रूप में रखनी है। नकद आय को प्राप्त करने के लिए फार्म संसाधनों से उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त नकदी और आय को जोड़ा जाता है तथा फार्म की क्रिया पर जो खर्चा किया जाता है उसको घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध फार्म आय या नेट फार्म इनकम। यदि शुद्ध परिचालन आय में से खेती के वास्तविक स्थिर खर्चे तथा स्थिर परिसंपत्तियों का घिसावट व्यय आदि को घटा दिया जाए तो जो शेष राशि बचती है उसे शुद्ध फार्म आय कहा जाता है। शुद्ध फार्म आय इस प्रकार कृषक की वह कुल आय होती है जो कृषक को भूस्वामी, श्रमिक, पूंजीपति तथा उद्यमकर्ता होने के नाते प्राप्त होती है तथा यह इस मान्यता पर आधारित है कि अपने बैल श्रम को बनाए रखने की लागत शून्य है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध परिचालन आय यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम। शुद्ध परिचालन आय शुद्ध परिचालन आय का अर्थ है नेट ऑपरेटिंग इनकम। शुद्ध परिचालन आय ज्ञात करने के लिए सकल आय में से विभिन्न परिचालन व्ययों को घटाया जाता है। परिचालन व्यय में निम्न व्यय शामिल किए जाते हैं: किराए पर श्रम का मूल्य, किराए पर बैलों का मूल्य, मशीनों का परिचालन मूल्य, किराए पर ली गई मशीन का भुगतान, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई कर, कार्यरत संपत्ति की घिसावट, किराए इत्यादि को की लागत आदि। शुद्ध परिचालन आय वह आय होती है जो कृषक को सकल आय में से सभी प्रकार के व्यय घटाने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है शुद्ध परिवार आय यानी नेट फैमिली इनकम। यदि कृषक की शुद्ध फार्म आय में कृषक की गैर फार्म आय को जोड़ा जाए तो उसे शुद्ध परिवार आय कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शुद्ध फार्म व्यवसाय यानी फार्म बिजनेस इनकम। फार्म बिजनेस इनकम फार्म व्यवसाय आय की धारणा खेती की लागत पर आधारित है जिसका संबोधन भारतीय प्रबंध द्वारा A1 से किया जाता है। फार्म व्यवसाय आय की गणना करने से पहले लागत की विभिन्न धारणाओं का ज्ञान अनिवार्य है। लागत की विभिन्न धारणाओं के अवयव निम्न लिखित हैं। लागत की विभिन्न धारणाएं लागत ए, लागत बी, लागत A2, लागत बी, लागत सी। ठीक है, तो इसमें लागत ए यानी कॉस्ट ए का पहले हम बात करें। कॉस्ट ए में इसमें 16 मदों पर व्यय शामिल है जिसमें क्या क्या आता है: किराए पर लगाए गए श्रमिकों की सेवा का मूल्य जिसमें स्थायी तथा आकस्मिक श्रमिकों की सेवाओं का मूल्य शामिल रहता है, दूसरा है स्वयं के बैलों की सेवाओं का मूल्य, तीसरा
किराए पर लिए गए बैलों की सेवाओं का मूल्य, नेक्स्ट है स्वयं की मशीनों का मूल्य, फिर है किराए पर ली गई मशीनों का मूल्य, फिर रासायनिक खाद का मूल्य, फिर स्वयं की या खरीदी गई देसी खाद का मूल्य, फिर है स्वयं के या खरीदे गए बीजों का मूल्य, नेक्स्ट कीटनाशक दवाओं का खर्चा, फिर है स्वयं या किराए की सिंचाई का खर्चा, फिर है नहर पानी का खर्चा, भू स्वराज अनुदान आदि कर, खेती के औजारों का घिसावट मूल्य, फार्म भवन फार्म मशीन सिंचाई ढांचे आदि की घिसावट व्यय, फिर है कार्यवाहक पूंजी पर ब्याज और विविध खर्चे जैसे दस्तकारी रस्सी औजारों की मरम्मत का खर्चा इत्यादि। ये सब चीज़ें लागत ए यानी कॉस्ट ए के अंतर्गत A1 के अंतर्गत शामिल होती हैं। लागत A2 के अंतर्गत इस लागत में A1 लागतों के अतिरिक्त अन्य मदें शामिल रहती हैं, वह है से पट्टे पर ली गई जमीन का किराया, और उसके बाद आती है लागत बी यानी कॉस्ट बी। कॉस्ट बी के अंतर्गत A2 लागत के अतिरिक्त दो अन्य लागतें भी शामिल होती हैं, जिसमें अपनी भूमि का आरोपित मूल्य तथा स्थिर पूंजी का आरोपित ब्याज, ये दोनों लागत बी यानी कॉस्ट बी के अंतर्गत आती हैं। फिर आती है नेक्स्ट इस लागत सी यानी कॉस्ट सी। अब कॉस्ट सी के अंतर्गत लागत बी में परिवार में श्रम का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। इन लागतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फार्म व्यवसाय आय इज इक्वल टू सकल आय में A1 घटाया जाता है, और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फार्म व्यवसाय शुद्ध फार्म आय की भांति नहीं होती है। स्वयं की फार्म व्यवसाय आय सकल आय लागत A2, परिवार श्रम आय सकल लाय आगत बी तथा शुद्ध आय इज इक्वल टू सकल आय लागत सी। आय से संबंधित एक और धारणा है जिसे फर्म निवेश आय यानी फार्म इन्वेस्टमेंट इनकम कहा जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए शुद्ध आय में स्थिर पूंजी पर ब्याज तथा आरोपित लगान को शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ये कहलाती है परिवर्तनशील लागत पर अतिरेक यानी कि सरप्लस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है? इस लागत को प्राप्त करने के लिए सकल आय में से कुल परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाता है। इसे स्थिर साधनों का प्रतिफल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है प्रबंधन का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू मैनेजमेंट। यह वह प्रतिफल है जो प्रवर्तक को उसकी प्रबंध सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। इसका यह अभिप्राय है कि सभी खर्च वास्तविक अथवा आरोपित जो विभिन्न आगतों को उनके उपयोग के बदले में चुकाए जाते हैं, उनका संबंध बाहरी पक्ष से होता है, या प्रवर्तक को इन खर्चों को सकल आय में से घटाना पड़ता है। अन्य शब्दों में यह शुद्ध आय के बराबर होता है। परिभाषा के अनुसार प्रबंध के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए सकल आय में से सभी लागतों को घटा दिया जाता है, तथा हम बैलों की लागत तथा स्थिर पूंजी पर ब्याज को शून्य मानकर चलते हैं। वास्तव में कृषि में प्रबंध तत्व यह बताता है कि प्रवर्तक की उद्यम क्षमता के साथ ही स्थिर पूंजी तथा बैल श्रम चलता है। प्रबंध का प्रतिफल निकालने के लिए निम्न मदों को घटाया जाता है। पहला परिवार श्रम का आरोपित मूल्य, दूसरा अपनी भूमि का आरोपित लगान, तीसरा कार्यरत पूंजी पर ब्याज, और चौथा स्थिर परिसंपत्तियों का घिसावट व्यय जैसे फार्म भवन फार्म मशीनें सिंचाई ढांचा इत्यादि, शुद्ध परिचालन आय के स्थिर खर्चे इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम तथा प्रबंध का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू लेबर एंड मैनेजमेंट। वास्तव में इस विधि से यह अभिप्राय है कि फार्म प्रवर्तक को उद्यमकर्ता
तथा परिवार श्रम की पूर्ति के बदले में जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे ही हम श्रम का प्रबंध का प्रतिफल, श्रम तथा प्रबंध का प्रतिफल कहते हैं। इसकी गणना करने के लिए हम परिवार श्रम का आरोपित मूल्य तथा प्रतिबंध के प्रतिफल को जोड़ते हैं। इस विधि का प्रयोग हम श्रम की कार्यकुशलता की तुलना करने के लिए भी करते हैं। और लास्ट पॉइंट है पूंजी तथा प्रबंध का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू कैपिटल एंड मैनेजमेंट। इस विधि का प्रयोग पूंजी की कार्यकुशलता मापने के लिए किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध प्रतिफल में स्थिर पूंजी की घिसावट तथा स्थिर खर्चों को जमा किया जाता है। समूह विधि का प्रयोग फार्म व्यवसाय की अन्य व्यवसायों से तुलना करने के लिए किया जाता है। यह तुलना कृषकों को यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि कृषि व्यवसाय में रहा जाए या नहीं। उसी प्रकार अंतर फार्म तुलना की सहायता से कृषक विभिन्न आगतों के प्रयोग की अनिवार्यता तथा परिवर्तन का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों पार्ट्स, पार्ट वन और पार्ट टू मिला करके मेजर्स ऑफ फार्म एफिशिएंसी यानी फार्म दक्षता के माप का अध्ययन किया। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं यानी संसाधन कैसे हैं और उसका हम मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंसी के साथ में कर पाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। आप इसको रिवाइज़ कीजिए और लाइक कीजिए, यही आपकी अटेंडेंस होगी। सो थैंक यू सो मच।